विक्टोरिया में हैं, विक्टोरिया के बाहर है, अभी अंदर जाने वाले हैं, अंदर जाने वाले हैं। आई थिंक कैमरा अलाउड नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखा पाए। विक्टोरिया में आ चुके हैं अंदर, आई डोंट थिंक हमें अलाउ करेंगे। पापा कैसा लग रहा है? एकदम मस्त मस्त लग रहा है, मस्त। सो हाउ इज द मेमोरियल लुकिंग? लाइक आपको दिखाएंगे हम। देयर आर सम स्टोन्स व्हिच वी आर वॉकिंग व्हिच इज अमेजिंग। दैट इज विक्टोरिया गाइस। So that is the 42 building. I hope you guys are enjoying it. थोड़ा सा पास जाके हम दिखाते हैं आपको। Look at the Indian flag, it's amazing. हम आपको एग्जैक्टली थोड़ा zoom करके बाहर से दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। But walking on stones is a bit difficult, but not bad. कॉम्प्लिकेटेड है इतना नहीं। सो वी आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम विजिटिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स सी। सो ये कुछ हमारा मेमोरियल दिख रहा है। क्वीन विक्टोरिया भी वहाँ पे बैठी है, उनका एक स्टैचू सा वहाँ पे बिठाया गया है। एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल लेक, जस्ट लुक एट दिस लेक यार गाइस, इतनी अमेजिंग लेक कहीं आपको दिखेगी तो आप आ जाइएगा यहाँ पे। ये ब्यूटीफुल सा गार्डन है एंड देर आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ओवर हियर, यू कैन सी एवरीवेयर। जस्ट स्टोन्स आर द एक्चुअल लुक। सो लेट्स गो इन। Let's check is Victoria. This is the whole garden. I'll show you. कोई भी हिस्टोरिकल जगह या फिर म्यूजियम वगैरह में अगर आप विजिट कर रहे हो तो हमेशा एक अलग सी बहुत ही खूबसूरत फीलिंग आपको होने वाली है कि वाओ ऐसा कुछ भी हुआ करता था। एंशियंट पीरियड में लोग यहाँ रहा करते थे जो आज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लाइक देयर वेयर पीपल हु वर एग्जिस्टिंग एंड उनका बहुत रूल हुआ करता था। लाइक सुनने में इतना इंटरेस्टिंग है, मैंने जाके देखा था एंड आई वॉज विजिटिंग दिस मेमोरियल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई वॉज सो एक्साइटेड दैट डे एंड आपको दिख ही रहा होगा मेरी खुशी, इतनी खुशी गाइज। वेल आपसे बातचीत तो होती रहेगी, टिल देन आप व्लॉग को एंजॉय करिए एंड आई होप आपको एंजॉय हो रहा है। सो कंटिन्यू वॉचिंग।
towards exit. It was amazing. Also, there is a statue of Lord Curzon backside में Victoria के. Backside हमारा exit हो चुका है. And it's a very huge garden, you know. Very huge. We'll show you guys. This is a very long garden. दिख रहा है इतना है, पर है बहुत ज़्यादा. Whenever you visit Kolkata, make sure you go to Victoria. Isn't it super cool? पापा कैसा लगा आपको? एकदम मस्त चांगला, एकदम मस्त लग रहा है, मस्त एकदम. सिक्योरिटी में क्या बता रहे थे वहाँ पर, 10 साल के नीचे और मतलब 65 के ऊपर. ऊपर इधर अलाउ नहीं है, पूरा रूल्स मान के चलना पड़ेगा सब पब्लिक को. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. से हाय. हाय बोलो. थोड़ा हिल के दिखाओ और डांस करो. वाओ. He's saying to subscribe to my channel. Do subscribe. Thank you so much, man. Thank you. You're doing a great job. हम भी टुडे से निकल चुके हैं. Yes. यहाँ पे कुछ stalls हैं, जहाँ से हम थोड़ा पानी ले रहे हैं. And वहाँ पे वो जो gentleman खड़ा है, अभी अभी आपको दिखाया गया है. Oh, gentleman. That gentleman. Yeah. He's so good, yeah. He's so good. अच्छा है ना बहुत बाबा? बहुत, बहुत. इतने अच्छे से behave करते हैं. थोड़ा जोर से बोलिए. यहाँ पे क्या क्या बनता है? वेरी गुड. तुम थोड़ा कैमरा देखो कैसे बन रहा है. देखो एक कंधा वाला बोला है, बिना कंधा वाला बोला. हाँ, काली माता का भी फोटो भी है. देखो ये कब तक खुला रहता है? और सुबह खुलता कभी है? खुलता कभी है? खुलता 10 बजे. कितना साल हुआ यहाँ पे? 45 साल हो गया. वाओ, वेरी गुड. हाय, कैसा बनाया प्रमोद जी ने? थैंक यू सो मच प्रमोद जी. थैंक यू सो मच गाइस. तो हम आ पहुंचे हमारे सेकंड लोकेशन पे, सेकंड ब्यूटीफुल लोकेशन एक्चुअली कहना चाहिए. एंड अगर आप इस जगह को अच्छे से पहचान रहे हैं तो जी हाँ, वही ये विद्यासागर सेतु ब्रिज ही है. बट हम विद्यासागर सेतु ब्रिज पे नहीं है, उसके अंडर है, तो हम इस जगह को प्रिंसेप घाट करके बुलाते हैं. जी हाँ, एंड अगर आप प्रिंसेप घाट आए और आपने ब्यूटीफुल सा बोट राइड नहीं लिया तो भाई आपने बहुत अधूरा सा ट्रिप किया है अपना. सो गाइज, डेफिनेटली आप इधर इधर आए तो आप एक बोट राइड ज़रूर लीजिएगा, जो कि मैं लेने वाली हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन. आई एम वेरी एक्साइटेड एज यूजुअल. सो लेट्स एंजॉय द व्लॉग नाउ. Hi everyone. Hi. अब हम कहाँ पे? We are in Prinsep Ghat. Prinsep Ghat. Yeah. So look at that bridge. Yeah. Guys, मैं इतनी खुश थी कि मैं यार गाना गुनगुना रही थी, because the place, the locality and the boat. इस सिचुएशन में मेरे को यार गाने ही याद आ रहे थे, पता नहीं क्यों. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. इट वॉज़ रियली फन टू हैव दिस राइड एक्चुअली. एंड आई होप आप भी जब राइड लेंगे आपको भी उतनी खुशी होगी जो मुझे हो रही है. सो लेट्स कंटिन्यू. ये जगह यार, इट्स परफेक्टली फाइन फॉर यू गाइज टू हैव योर पर्सनल टाइम. सो
बहुत सही जगह है, एंजॉय करिएगा जब ही जाएगा। सो अभी ब्लॉग एंजॉय करिए। मस्त लग रहा है। हाँ तो अभी हम गाइस इस ब्रिज के एग्जैक्टली नीचे तो नहीं बट लगभग नीचे ही था हमारा बोट तभी, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि यार ब्रिज के ऊपर से बाय कार ट्रैवल करना एंड ब्रिज के अंडर बाय बोट ट्रैवल करना दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। एंड इट वाज अमेजिंग टू एक्चुअली लुक एट द ब्रिज सो क्लोजली। इट वॉज रियली फन गाइज। आई होप आपको भी देखने में अच्छा लग रहा होगा, एंड अगर आपको एक्सपीरियंस करना है डेफिनेटली देन यू शुड कम टू कोलकाता। गाइज आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत वक्त मुझे दे दिया है, अभी हमने आपके लिए भी थोड़ा वक्त निकाली है। बट डोंट वरी, इसी व्लॉग का कंटिन्यूशन बहुत जल्दी आएगा क्योंकि अभी अभी तो बोट राइड शुरू की है, इतनी जल्दी कैसे बोट राइड एंड हो सकती है। सो बहुत कुछ आपको दिखाना बाकी है बट नेक्स्ट कंटिन्यूशन पार्ट में आपको वो दिख जाएगा विच इज़ द पार्ट 5 कंटिन्यूशन, बहुत जल्दी आ रहा है चैनल पे। सो सब्सक्राइब करके तैयार हो जाइए। एंड अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है यू नो व्हाट यू हैव टू डू। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग टिल एंड, मीटिंग यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। विल टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। अरे भाई कितना बड़ा ब्रिज है ये, कितना बड़ा है, मानना पड़ेगा भाई। वाओ दैट्स ग्रेट।